हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए तांत्रिक मसाननाथ और साधिका काली सुंदरी की कहानी का पहला भाग लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये स्टोरी आप सभी की डिमांड पे ही आई है और आपका भी फिर फ़र्ज बनता है कि मेरी इस मेहनत को सक्सेसफुल बनाया जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मसाननाथ की सीरीज़ को इतना प्यार दिया। और एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि मसाननाथ की सीरीज़ की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ मसाननाथ की सीरीज़ सुनना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करके आप सारी मसाननाथ की कहानियाँ सुन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे। इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। बर्धमान से बोलपुर जाने में ट्रेन से लगभग एक घंटे का समय लगता है। बोलपुर शहर पश्चिम बंगाल की संस्कृति और शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। इसके अलावा ये शहर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तांत्रिक मसाननाथ जब ट्रेन से बोलपुर स्टेशन पहुँचे तब शाम के 4 बजने वाले थे। यहाँ से उन्हें रजतपुर जाना होगा। उन्हें काफ़ी तेज़ भूख भी लगी थी, इसलिए स्टेशन के बाहर एक होटल से उन्होंने दाल सब्जी चावल से अपना पेट भरा। इसके बाद बोलपुर स्टेशन से 2 ऑटो बदल कर उन्हें रजतपुर पहुंचने में लगभग 40 मिनट का समय लगा। शाम 5 बजे तक तांत्रिक मसाननाथ रजतपुर के बाज़ार में पहुंच गए। तांत्रिक मसाननाथ एक चाय की दुकान पर पहुंचे और एक चाय बोलकर बाहर रखे बेंच पर बैठ गए। अब उन्होंने वहीं पास में रखे समाचार पेपर को उठा लिया और उसके हर एक पन्ने को ध्यान से देख कर पढ़ते रहे। सभी खबर शायद तांत्रिक मसाननाथ नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन सभी खबर की हेडलाइन पर उनकी बराबर नज़र जा रही थी। इसी बीच चाय की दुकान का एक कर्मचारी एक चाय उनके पास उनके बेंच पर रखकर चला गया। समाचार पेपर पढ़ते हुए तांत्रिक मसाननाथ चाय की चुस्की लेते रहे। अब एक अद्भुत घटना पर तांत्रिक मसाननाथ की नज़र पड़ी। ये समाचार पेपर के एक हेडलाइन पर लिखा हुआ था। वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक दिन पहले वर्धमान के एक शमशान के पास एक साधु बाबा जैसे बूढ़े आदमी की लाश मिली और किसी ने धारदार हथियार द्वारा उनके सीने पर आघात करके उनकी हत्या कर दी थी। पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि उस साधु बाबा का सिर गायब था। ये पढ़ते ही तांत्रिक मसाननाथ थोड़ा सोच में पड़ गए, क्योंकि साधक काल कपाल का वध करते वक्त उन्होंने साधक काल कपाल के सिर के साथ कुछ भी नहीं किया था। शरद ने केवल त्रिशूल से साधक काल कपाल को मारा था, तो क्या कोई उनके सिर को? तांत्रिक मसाननाथ अब और इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने समाचार पेपर को बंद करके वहीं बेंच पर रख दिया और चाय पीते रहे। शाम हो गई थी, इसलिए आसपास की दुकानों में लाइट और लालटेन धीरे धीरे एक एक करके जलने लगे थे। तांत्रिक मसाननाथ ने चाय का खाली कुल्लड़ फेंका ही था कि उसी वक्त एक आदमी उस दुकान पर आया। उस आदमी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दुखी और परेशान है। उस आदमी ने दुकान पर आकर एक चाय का ऑर्डर दिया। चाय वाले ने उस आदमी को देखकर पूछा, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों सूख गया है? अभी परसों ही तो तुम्हारा लड़का विदेश से पढ़कर आया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर हुआ क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, विदेश से नहीं, बैंगलोर से पढ़कर आया है, और क्यों चिंता ना करूं, बड़े ही अद्भुत परेशानी से गुजर रहा हूं। क्या परेशानी है? अरे, जिस दिन से लड़का घर आया है उसी दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। एक बार बुखार हुआ तब से बुखार उतर ही नहीं रहा। इसी बीच 3-4 डॉक्टर दिखा चुका हूँ, लेकिन उसकी तबीयत वैसे की वैसी ही है, बुखार तो बढ़ता ही जा रहा। इसीलिए मुझे अब डर लगने लगा है कि आखिर क्या हो गया, कहीं उस पर भूत प्रेत का साया तो नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
चाय वाला व्यंग करते हुए बोला, तुम भी क्या बोलते हो, विदेश में पढ़ने वाले लड़के को भूत प्रेत पकड़ेगा? भूत प्रेत तो हमारे यहाँ का रोग है। सही बोला, लेकिन डॉक्टरों की कोई दवा भी काम नहीं कर रही। अब चाय वाला फिर से बोलने लगा, वैसे तुम एक काम कर सकते हो, हमारे यहाँ उस तरफ साधिका काली सुंदरी है ना, तुम उनके पास अपने लड़के को दिखाने के लिए जा सकते हो, क्या पता काली सुंदरी तुम्हारे लड़के की तबीयत को ठीक कर दे। ये सुनते ही उस आदमी ने धीमी आवाज़ में बोला, पागल हो गए हो, शाम के वक्त क्या उस तरफ कोई मनुष्य जाता है? इसके अलावा मैं एक पुरुष होकर इस वक्त उधर जाऊं? ये बात सुनकर तांत्रिक मसाननाथ सोचने लगे कि कोई पुरुष उधर इस वक्त क्यों नहीं जाना चाहता। अगर ये बात कोई लड़की या महिला बोलती तो समझ आता। तांत्रिक मसाननाथ को सामने बैठे आदमी की बातें बहुत अटपटी लगी, इसीलिए उन्होंने पूछ ही लिया, क्यों, एक पुरुष होकर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शाम के वक्त आप उधर नहीं जा सकते? क्या उधर कोई समस्या है? अब उस आदमी ने चाय वाले से पूछा, ये आदमी कौन है, दिखने में तो कोई साधु लग रहे हैं। चाय वाले ने उत्तर दिया, कुछ देर पहले ही मेरे दुकान में आए और चाय पी रहे थे, शायद यहाँ पर नए आए हैं। आप यहाँ पर नए हैं क्या? तांत्रिक मसाननाथ बोले, हाँ मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ कुछ काम है। चाय वाला बोला, अच्छी बात है, पर आप जो जानना चाहते हैं उस बारे में यहाँ चर्चा ना हो तभी सही है। तांत्रिक मसाननाथ समझ गए कि इसके पीछे कुछ तो बात है। इसके अलावा जिस कार्य के लिए उनका यहाँ आगमन हुआ है वो उस कार्य के रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं। आप बोलिए, डरने की कोई बात नहीं, मेरे बारे में आप लोगों को नहीं पता, मैं एक तांत्रिक हूँ, मेरा नाम है तांत्रिक मसाननाथ, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चाय वाले ने कुछ देर सोचा और फिर बोलना शुरू किया, इस गांव या जगह का नियम थोड़ा अलग है, दूसरे जगह जैसे लड़की और महिलाओं को डर कर रहना पड़ता है, यहाँ उसके उलट लड़कों और पुरुषों को बच कर रहना पड़ता है। सुनने में अद्भुत लगेगा लेकिन यही सच है, हम डरते हुए दिन बिता रहे हैं, डर से यहाँ पर कोई पुरुष पुलिस नहीं आती, ये पूरा इलाका महिला पुलिस के हाथों में है, डर की वजह से हम रात को घर से बाहर नहीं निकलते। इस गांव में अगर कोई लड़का या पुरुष किसी लड़की व महिला को भूल से भी कुछ उल्टा सीधा बोल देता है तो वो गायब हो जाता है या फिर अपना पौरुष ही खोने लगता है। यहाँ किसी लड़की को छूना तो दूर की बात है, इसीलिए हम हमेशा डरे हुए रहते हैं, और यहाँ किसी भी लड़की व महिला का अपमान नहीं होता। काली सुंदरी जब से यहाँ आई है उन्होंने ही सब देख रेख अपने ऊपर ले लिया है, इसीलिए किसी को इस पर कोई असुविधा नहीं। बाकी जगहों की तुलना में यहाँ लड़कियों व महिलाओं की काफ़ी उन्नति हुई है, यहाँ उनका काफ़ी सम्मान किया जाता है। ये सब तांत्रिक मसाननाथ सुनते रहे। अब उन्होंने अपने सामने बैठे आदमी से पूछा, वैसे आपका लड़का बैंगलोर से कब आया है? परसों। इस बीच उसे बुखार कैसे हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर पता होता तो डॉक्टरों के पास ना दौड़ता रहता। तांत्रिक मसाननाथ बोले, वैसे मैं कुछ कार्य करता हूँ जैसे टोटका औषधि, इसके अलावा भी मैं कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जानता हूँ, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपकी शायद कुछ सहायता कर सकूँ। इससे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आपके लड़के का चरित्र कैसा है? वो आदमी बोला, ये कैसा प्रश्न है, मेरा लड़का एक अच्छा व शिक्षित लड़का है। तांत्रिक मसाननाथ बोले, आपका लड़का बैंगलोर में पढ़कर ज्ञानी हो गया होगा पर शिक्षित नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जो भी हो मुझे अपने घर ले चलिए, मैं वहाँ जाकर आपको पूरी जानकारी दे दूँगा और मैं सब कुछ जान जाऊँगा कि क्या हुआ है। कोई उपाय ना देखकर वो आदमी तांत्रिक मसाननाथ को अपने घर ले जाने के लिए राज़ी हो गया। आप दोनों बात करते हुए उस आदमी के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते हुए उस आदमी ने अपना नाम नील रतन सेन बताया। इस मोहल्ले में उनका एक किराए का दुकान है। नील रतन से ही साधिका काली सुंदरी के बारे में तांत्रिक मसाननाथ को कुछ बातें और मालूम हुई। नील रतन बोले, हमारे यहाँ के लड़के यहाँ की सभी लड़कियों का सम्मान करते हैं, लड़की व महिलाओं के सामने हम अपना सिर झुका कर चलते हैं।
यहाँ नारी पर केवल नज़र डालने से भी सबको डर लगता है कि कहीं उनके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। वैसे अब यह डर धीरे धीरे कम होकर यहाँ नारी सम्मान एक आदत हो गई। अगर इस जगह से हम बाहर भी जाते हैं तो महिलाओं की तरफ नज़र उठाकर बात नहीं कर पाते। कभी कभी तो अपनी पत्नी को ही इतना सम्मान देता हूँ कि इसी तरह दोनों बात करते हुए उस आदमी अर्थात नील रतन सेन के घर पहुँच गए। एक मध्यम आकार का घर। घर को देखकर समझा जा सकता था कि उन्होंने किराने की दुकान से आने वाली आमदनी शायद ज़्यादातर अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दी, जिससे घर की उतनी उन्नति नहीं हो सकी। तांत्रिक मसाननाथ सीधे नील रतन सेन के लड़के के कमरे की तरफ गए, जहां उनका लड़का लेटा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा नील रतन सेन ने खोल दिया। कमरे के अंदर जाते ही तांत्रिक मसाननाथ ने देखा कि इस गर्मी में भी दो मोटा सा कंबल ओढ़कर उनका लड़का लेटा हुआ है। तांत्रिक मसाननाथ जब उस लड़के के पास गए तब उसने उनकी तरफ देखा। उस लड़के के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अब तांत्रिक मसाननाथ ने अपना दाहिना हाथ उस लड़के के माथे पर रख दिया। उस लड़के के माथे पर अपना हाथ रखते ही तांत्रिक मसाननाथ चौंक गए। उस लड़के का शरीर बुखार से तप रहा था। ये कोई आम बुखार व मच्छर द्वारा फैलने वाला बुखार नहीं है, क्योंकि उन बुखारों की चिकित्सा तांत्रिक मसाननाथ ने पहले भी किया है। थोड़ा सोचने के बाद तांत्रिक मसाननाथ ने नील रतन सेन से थोड़ा अदरक और ओखली लाने के लिए कहा। कुछ मिनट बाद नील रतन सेन थोड़ा सा अदरक व एक ओखली ले आए और तांत्रिक मसाननाथ को दे दिया। अब तांत्रिक मसाननाथ ने अपनी पोटली से थोड़ा लौंग और एक छोटी शहद की डिब्बी निकाली, फिर ओखली में अदरक व लौंग को कूटकर उसमें शहद डालकर एक मिश्रण बना लिया। तांत्रिक मसाननाथ ने उस मिश्रण को मंत्र पढ़ते हुए नील रतन सेन के लड़के को खिला दिया। इसके अलावा एक गिलास मंत्र वाला पानी भी उन्होंने पीने के लिए दिया। तांत्रिक मसाननाथ अब नील रतन सेन से बोले, जितना ज्ञान मुझे तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद से मिला है उससे मैंने थोड़ा बहुत चिकित्सा किया, अब सुबह ही इसका असर देखने को मिलेगा। वैसे आपसे एक अनुरोध है। नील रतन सेन को लगा कि अब तांत्रिक मसाननाथ उनसे पैसे मांगेंगे, इसलिए उन्होंने कहा, वैसे भी हम प्रतिदिन कमाकर खाने वाले आदमी हैं तथा डॉक्टरों के पास जाकर सभी पैसे खत्म हो गए, अब आप ज़्यादा पैसा हमसे मत मांगिए। तांत्रिक मसाननाथ बोले, मैं रुपये पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा, हम साधक हैं, रुपया पैसा हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है। इस बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, आपसे बस यही अनुरोध है कि आज रात काटने के लिए अगर आपके आंगन में थोड़ी जगह मिल जाती तो अच्छा रहता। नील रतन सेन बोले, अच्छा ये बात है, आंगन में क्यों, आप यहीं इस कमरे में मेरे बेटे के पास सो जाइए। तांत्रिक मसाननाथ बोले, ठीक है, मैं नीचे फर्श पर सो जाऊंगा, वैसे भी गर्मी है, नीचे लेटने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। तांत्रिक मसाननाथ को नील रतन सेन नीचे सोने नहीं देना चाहते थे, पर अंत में राजी हो गए। अब तांत्रिक मसाननाथ से उन्होंने रात्रि भोजन के लिए पूछा। इसके उत्तर में तांत्रिक मसाननाथ बोले, नहीं, मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि स्टेशन से बाहर एक होटल में मैंने शाम होने से पहले खाना खाया था, मेरे पास लाई चूड़ा है, वही थोड़ा सा खाकर मैं सो जाऊंगा, मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल सुबह होने की प्रतीक्षा कीजिए। तांत्रिक मसाननाथ की बातें खत्म होते ही नील रतन सेन अपने लड़के के माथे को सहलाकर अपने कमरे में चले गए। रात में थोड़ा लाई खाकर तांत्रिक मसाननाथ ने एक गिलास पानी पिया और फिर फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गए। हल्के ठंडी की अनुभूति उन्हें फर्श से होने लगी, जो कि तांत्रिक मसाननाथ के लिए इस गर्मी में आरामदायक ही था, लेकिन इससे तांत्रिक मसाननाथ की नींद ठीक से पूर्ण नहीं हुई। रात के वक्त तांत्रिक मसाननाथ कुछ अद्भुत घटना महसूस कर रहे थे। उन्हें पूरी रात ऐसा लगा कि कोई उन पर अपनी नज़र गड़ा कर बैठा है, लेकिन तांत्रिक मसाननाथ ने रात में अपनी आंखें नहीं खोली। बीच बीच में उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ कि कोई पूरे घर में दौड़ रहा है। इसके अलावा एक ठंडी हवा बार बार तांत्रिक मसाननाथ को स्पर्श करके निकल रही थी। इसी तरह कई डरावने व अद्भुत चीज़ों को महसूस करते हुए
तांत्रिक मसाननाथ की रात भी थी। घड़ी में उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। चारों तरफ एक शांत वातावरण फैला हुआ है। तांत्रिक मसाननाथ चटाई से उठकर धीरे धीरे बाहर गए और वहां जाकर सूर्य नमस्कार करने लगे। अब उन्होंने प्रतिदिन की तरह अपने प्राणायाम योग को किया और फिर अंदर कमरे में नीलरतन सेन के लड़के के पास गए। उसके माथे पर हाथ रखकर तांत्रिक मसाननाथ देखने लगे कि बुखार में कुछ सुधार आया या नहीं। उस लड़के के माथे पर हाथ रखते ही तांत्रिक मसाननाथ चौंक गए, क्योंकि लड़के का बुखार जरा सा भी कम नहीं हुआ था। तो क्या तांत्रिक मसाननाथ की दवा किसी काम ना आई? तांत्रिक मसाननाथ ने अब उस लड़के के शरीर से कंबल हटा दिया। कंबल को हटाते ही तांत्रिक मसाननाथ आश्चर्यचकित हो गए। इस वक्त जो दृश्य उनके सामने था वो काफ़ी आश्चर्यजनक था। उस लड़के के शरीर बनावट थोड़ा बहुत लड़की के शरीर जैसी हो गई थी। इसके अलावा उस लड़के का चेहरा भी लड़की के चेहरे में बदलने लगा था। तांत्रिक मसाननाथ को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस लड़के ने अब धीरे धीरे अपनी आँखें खोली। तांत्रिक मसाननाथ कुछ पूछते उससे पहले ही उस लड़के के आँखों से आंसू निकल आए। तांत्रिक मसाननाथ को धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। उन्होंने उस लड़के से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हारा ये हाल हो गया है? उस लड़के ने कुछ भी नहीं बोला, केवल सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। लड़के ने अपना चेहरा ऐसा बना लिया कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तांत्रिक मसाननाथ को उस लड़के पर शक था कि उसने ज़रूर कुछ किया है। इसी बीच कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ होने लगी। तांत्रिक मसाननाथ समझ गए कि नीलरतन सेन अपने लड़के का हालचाल जानने के लिए आए हैं। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही नीलरतन सेन की नज़र अपने लड़के पर पड़ी। अपने लड़के के पास बैठते ही जब उन्होंने उसके आंखों में आंसू देखा तो पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बुखार से तुम्हें कष्ट हो रहा है? तांत्रिक मसाननाथ ने उत्तर दिया, बुखार कल जैसा था वैसा ही है, क्योंकि दवाई ने अपना कार्य नहीं किया। वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसके पीछे दोषी आपका लड़का ही है। जैसा मैंने उस चाय वाले आदमी से सुना था, उसके हिसाब से आपका लड़का बैंगलोर से यहाँ आते ही कुछ गलती कर बैठा है। तांत्रिक मसाननाथ से ये सब सुनते ही नीलरतन सेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोले, क्या बोल रहे हैं? आपको यहाँ पर रहने के लिए दिया है तो आप कुछ भी बोलेंगे? मेरा लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है। इससे पहले किसी से भी मैंने उसकी बुराई नहीं सुनी है। मेरा लड़का कैसा है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक तो मेरे लड़के को ठीक नहीं कर पाए, ऊपर से उस पर आरोप लगा रहे हैं। ये सुनकर तांत्रिक मसाननाथ बोले, नीलरतन जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपके लड़के ने यहाँ आकर शायद किसी लड़की से संबंधित गलती कर दी है। आप उसे खुद ही पूछ लीजिए, पर शायद वो सच नहीं बताएगा। मैं लोगों को पहचानना जानता हूँ, इसीलिए मैंने कल ही कहा था कि आपके लड़के ने कुछ तो गलती की है जिसके कारण यहाँ के नियम अनुसार उसे सज़ा मिल रही है। अब मैंने जो सोचा था वही करना होगा। क्या सोचा था आपने? आप क्या करना चाहते हैं? आपने अपने टोटका व दवा से मेरे लड़के को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे अच्छा क्यों ना मैं अपने लड़के को काली सुंदरी के पास ले जाऊं? तांत्रिक मसाननाथ बोले, कल ही तो आप कह रहे थे कि काली सुंदरी के पास जाने से आपको डर लग रहा है, और आज बोल रहे हैं कि काली सुंदरी के पास जाना चाहिए। वैसे जब तक मैं यहाँ पर हूँ, आपको काली सुंदरी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार मुझे और कोशिश करने दीजिए, फिर आप अपने हिसाब से जहाँ आपका मन वहाँ जाइए, क्योंकि वो आपका ही लड़का है। कुछ देर सोचने के बाद तांत्रिक मसाननाथ ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई तालाब या जलाशय है? नीलरतन सेन ने उत्तर दिया, हाँ, हमारे यहाँ भागीरथी नाम का एक तालाब है। तांत्रिक मसाननाथ बोले, चलिए मुझे वहाँ पर ले चलिए, क्योंकि मुझे रुद्र तंत्र क्रिया करनी है। नीलरतन सेन ने पूछा, ये क्या है और आप कैसी क्रिया करने वाले हैं? तांत्रिक मसाननाथ बोले, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक तंत्र क्रिया करनी है जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपके लड़के ने क्या किया है और
किस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। जब तक रोग मालूम नहीं होगा तो उसकी चिकित्सा करना संभव नहीं है। इसीलिए मैं पहले इस तंत्र क्रिया द्वारा सब कुछ जानकर आगे कदम बढ़ाऊंगा। इसीलिए चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम तालाब के पास चलते हैं। कुछ देर सोचने के बाद नीलरतन सेन चलने के लिए राजी हो गए। अपनी पत्नी पर अपने लड़के के देख रेख का पूरा दायित्व सौंप कर तांत्रिक मसाननाथ को साथ लेकर नीलरतन सेन चल पड़े। नीलरतन सेन के घर से लगभग 5-7 मिनट चलने पर वो तालाब आता है। भागीरथी तालाब काफ़ी बड़ा है तथा दिखने में एक चौकोर वर्ग जैसा है। बाकी दूसरे तालाबों की आकृति अक्सर ऐसी नहीं होती, इसलिए ये तालाब तांत्रिक मसाननाथ को दिखने में बाकी तालाबों से थोड़ा अलग लगा। तांत्रिक मसाननाथ उस तालाब के पास पहुँचे और उस तालाब के पास जाते ही उनका मन कुछ अनजानी बातों व संदेह से भर गया। अब तांत्रिक मसाननाथ ने अपनी पोटली से छोटे छोटे 4 त्रिशूल बाहर निकाले और नीलरतन सेन को अपने पास बुलाया। इन 4 त्रिशूल को तालाब के चारों कोनों में गाड़ दो। तांत्रिक मसाननाथ के कहे अनुसार नीलरतन सेन ने तालाब के चारों कोनों पर एक त्रिशूल लगा दिया। ध्यानपूर्वक जब अपना काम करके लौटे तब तांत्रिक मसाननाथ फिर बोले, अब आप थोड़ा दूर जाइए, जाकर बैठ जाइए। ये सुनकर नीलरतन सेन बोले, क्यों, मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तांत्रिक मसाननाथ बोले, इस तंत्र क्रिया की 5 शर्तें हैं। मैं इस वक्त जिस रुद्र तंत्र क्रिया को करूँगा उसके लिए 5 नियम हैं। इन 5 नियमों को मुझे मानना ही होगा। निर्जन स्थान, बिना किसी के साथ, बिना आवेश, बिना घमंड तथा बिना अपराध। इन 5 नियमों को मानकर ही इस तंत्र क्रिया को कर सकते हैं। इसीलिए मुझे सुनसान और बिना किसी के साथ वाली जगह की ज़रूरत है। आसपास अगर कोई रहेगा तो ये तंत्र क्रिया सफल नहीं होगी। तांत्रिक मसाननाथ के निर्देशानुसार नीलरतन सेन दूर जाकर एक बड़े पत्थर के ऊपर बैठ गए। दूसरी तरफ अब तांत्रिक मसाननाथ ने एक बड़ा त्रिशूल अपनी पोटली से बाहर निकाला। इसी त्रिशूल द्वारा शरद के साथ मिलकर उन्होंने वर्धमान को साधक काल कपाल के नकारात्मक शक्ति से मुक्त किया था। उस त्रिशूल को तालाब के किनारे गाड़ कर तांत्रिक मसाननाथ उसके सामने बैठ गए। पहले उन्होंने एक मंत्र का जाप कुछ देर किया। इस मंत्र का जाप तांत्रिक मसाननाथ कुछ देर करते रहे और फिर उन्होंने अलग अलग मंत्र पढ़ना शुरू किया। लगभग आधा घंटा मंत्र का जाप करने के बाद अचानक ही तांत्रिक मसाननाथ ने अपनी आंखें खोली और जल्दी से खड़े हो गए। उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे कि इस तंत्र क्रिया में उनका ध्यान नहीं लग पा रहा। तांत्रिक मसाननाथ किसी बात की शंका में थे, ये उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। अब धीरे धीरे तांत्रिक मसाननाथ नीचे उतर कर तालाब के पानी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी हथेली पर थोड़ा सा तालाब का पानी उठा लिया। तालाब के पानी को हाथ में लेकर तांत्रिक मसाननाथ कुछ देर मंत्र पढ़ते रहे और फिर अचानक ही उन्होंने तालाब के पानी को जल्दी से झटक कर फेंक दिया। अब उन्होंने दूर बैठे नीलरतन सेन को बुलाया। नीलरतन सेन बैठकर ज़मीन पर एक छोटी लकड़ी द्वारा कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बना रहे थे। तांत्रिक मसाननाथ की आवाज़ सुनकर नीलरतन सेन जल्दी से उनके पास गए। तांत्रिक मसाननाथ ने तालाब की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, अच्छा बताइए, क्या इस तालाब में कुछ गलत कार्य हुआ है? क्या ये तालाब अपवित्र है? काफ़ी देर तक मंत्र पढ़ने के बाद भी मैं अपनी तंत्र क्रिया में सफल नहीं हो पा रहा। इसके कारण मुझे अपनी तंत्र क्रिया का कोई सफल प्रभाव भी नहीं दिख रहा। कोई ना कोई अपवित्र कार्य इस तालाब में हुआ है। नीलरतन सेन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं, ये उनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था। ये देखकर तांत्रिक मसाननाथ ने फिर से उन्हें अपने स्थान पर जाकर बैठने के लिए कहा। तांत्रिक मसाननाथ के कहे अनुसार नीलरतन सेन फिर से जाकर उस पत्थर पर बैठ गए। तांत्रिक मसाननाथ खड़े होकर कुछ देर सोचते रहे और अचानक ही उनका दिमाग चमक उठा। तांत्रिक मसाननाथ ने अपनी पोटली से थोड़ा सा सरसों और सिंदूर निकालकर एक मंत्र पढ़ा और उसे तालाब में फेंक दिया। तालाब के जिस जगह पर पानी में तांत्रिक मसाननाथ सरसों और सिंदूर फेंके वहाँ पर बुलबुला उठने लगा। तांत्रिक मसाननाथ का संदेह अपने सही पथ पर था।
अब उनकी आंखों की चमक और बढ़ गई। अब उन्होंने फिर से तालाब के दूसरे भागों में थोड़ा सरसों और सिंदूर फेंकते गए। आश्चर्यजनक रूप से जहाँ जहाँ भी सरसों और सिंदूर फेंकते गए वहाँ पर बुलबुला उठने लगता। अब तांत्रिक मसाननाथ को सब कुछ समझ में आ चुका था कि यहाँ पर क्या पाप कर्म हुआ है। तांत्रिक मसाननाथ अपने बड़े वाले त्रिशूल को लेकर अब तालाब के पानी में उतर गए। तालाब का पानी उनके घुटनों से ऊपर तक आ गया था। तांत्रिक मसाननाथ तालाब के अंदर खड़े हो गए और अपने त्रिशूल को पानी की सतह पर रख दिया। हमारे अनुसार त्रिशूल को तालाब में डूब जाना चाहिए, पर अलौकिक रूप से वो त्रिशूल अपनी जगह पर पानी में तैरता रहा। अब तांत्रिक मसाननाथ ने अपने दोनों हाथ को जोड़कर ऊपर खड़ा कर दिया और सूर्य नमस्कार की तरह खड़े हो गए। तांत्रिक मसाननाथ इसी तरह कुछ देर खड़े होकर मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ते रहे। तांत्रिक मसाननाथ का मंत्र जाप शुरू होते ही एक आश्चर्यजनक व अलौकिक दृश्य तालाब में दिखाई देने लगा। कई सारे जले हुए काले हाथ तालाब से बाहर निकलने लगे और सभी जले हुए हाथों ने तांत्रिक मसाननाथ को चारों तरफ से घेर लिया। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी जले हुए हाथ तांत्रिक मसाननाथ से विनती कर रहे हैं कि उन्हें बचा लो। ये सब अलौकिक दृश्य तांत्रिक मसाननाथ देख रहे थे, पर उन्होंने अपना मंत्र जाप बंद नहीं किया। मंत्र जाप के साथ साथ धीरे धीरे जले हुए हाथों की संख्या भी बढ़ती गई। अब तांत्रिक मसाननाथ पानी में अपने सामने तैरते त्रिशूल को उठा लिया। उससे उन्होंने तालाब के पानी में कुछ लिखना शुरू कर दिया। देखकर ऐसा लग रहा था कि तालाब के पानी में तांत्रिक मसाननाथ बार बार ओम लिख रहे थे। 11 बार ओम लिखते ही तांत्रिक मसाननाथ ने बहुत सारी चीखें सुनी। वो सभी आवाज़ पानी के नीचे रहने वाली अतृप्त आत्माओं की थी जो पीड़ा से कराह रहे थे। धीरे धीरे उन जले हुए हाथों की संख्या कम होने लगी और धुएं के रूप में सभी जले हाथ आसमान में गायब हो गए। अब अचानक ही पूरे तालाब में समुद्र की तरह लहरें उठने लगी। तांत्रिक मसाननाथ जल्दी से उस तालाब के बाहर निकल आए। तालाब में इधर से उधर लहरें दौड़ती रही। अब तांत्रिक मसाननाथ ने थोड़ा सा और सरसों और सिंदूर निकालकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे तालाब में फेंक दिया। तालाब में आई हलचल कुछ ही देर में शांत हो गई और तालाब के चारों तरफ एक प्राकृतिक खूबसूरत सुगंध फैल गई जो कि अब तक नहीं थी। तांत्रिक मसाननाथ समझ गए कि अब यह तालाब पाप मुक्त व शुद्ध हो गया है। इसके अलावा तालाब के पानी का रंग हल्के काले से अब साफ हो गया था। तांत्रिक मसाननाथ अब और ज़्यादा समय ना व्यक्त करते हुए फिर से उन्होंने त्रिशूल को वहीं गाड़ दिया और उसके सामने बैठ गए। अपने अधूरे तंत्र क्रिया को पूर्ण करने के लिए तांत्रिक मसाननाथ फिर से मंत्र जाप में लीन हो गए। 1.5 घंटे से ज़्यादा समय तक तांत्रिक मसाननाथ वैसे ही मंत्र जाप करते रहे। दूसरी तरफ बैठे नील रतन सेन बैठे बैठे थक गए थे। उनको और बैठने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए उठकर उन्होंने इधर उधर थोड़ा सा चलना शुरू कर दिया। प्रतीक्षा करना नील रतन सेन का स्वभाव नहीं है, लेकिन साधु संतों व साधकों के लिए 14-15 घंटे एक जगह पर बैठकर साधना करना आम बात है। लगभग 1.5 घंटे तक अपनी तंत्र क्रिया करने के बाद तांत्रिक मसाननाथ धीरे धीरे तालाब के ऊपर की ओर गए। उन्हें तालाब से बाहर की ओर आते हुए देख नील रतन सेन जल्दी से उनकी तरफ जाने लगे, लेकिन तांत्रिक मसाननाथ ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा। ये देखकर नील रतन सेन को समझ आ गया कि अभी भी तांत्रिक मसाननाथ की तंत्र क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। तांत्रिक मसाननाथ तालाब के ऊपर जाकर काफ़ी देर तक बैठे रहे और अपने सामने पूरे तालाब को ध्यानपूर्वक देखते रहे। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये चौकोर तालाब सिनेमा का पर्दा है और तांत्रिक मसाननाथ उस पर्दे पर लगातार कुछ दृश्य देख रहे थे। उन दृश्यों को देखते हुए तांत्रिक मसाननाथ उन्हें समझने में लगे हुए थे। इसी तरह कुछ देर देखने के बाद तांत्रिक मसाननाथ अपनी पोटली और त्रिशूल को लेकर खुद ही नील रतन सेन के पास गए। पास आते ही तांत्रिक मसाननाथ को देखकर नील रतन सेन बोले, इतनी देर प्रतीक्षा करके मैं ऊब गया, मुझे अब भूख लग गई है। क्या आपकी तंत्र क्रिया पूर्ण हो गई? क्या आपको कुछ पता चला? तांत्रिक मसाननाथ बोले, मुझे बहुत सारी बातों का पता चला,
चलिए घर जाकर आपको सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आपने तालाब के चारों कोनों में जो चार छोटे त्रिशूल को गाड़ा था उसे ले आइए। उन चारों त्रिशूल को तालाब के पानी में अच्छे से धो दीजिएगा और फिर अपने भी हाथ पैर धोकर चले आइए। तांत्रिक मसाननाथ के कहे अनुसार उन्होंने तालाब के चारों कोनों से चार त्रिशूल को हाथ में लेकर अपने हाथ पैर को धोया और फिर तांत्रिक मसाननाथ के साथ अपने घर की ओर रवाना हो गए। कैसी लगी है आपको यहाँ तक की ये कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्या लगता है आप सभी को, क्या जान गए होंगे तांत्रिक मसाननाथ? ऐसा क्या किया होगा उस लड़के ने जिसकी सज़ा उसे मिल रही है? और क्या नीलरतन सेन इस बात को जानते हैं? अब किस तरीके से तांत्रिक मसाननाथ इस लड़के को ठीक करेंगे, क्या वो इसे ठीक कर पाएंगे भी या नहीं, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले भाग के साथ। जय बाबा महाकाल।